हमारे साथ एक पूर्व विधायक है, देख सकते हैं कि इनकी उम्र लगभग 91 वर्ष से अधिक हो गई, लेकिन यह जब विधानसभा का 22वां वर्षगांठ मनाया जा रहा था तो वह इस सेलिब्रेशन में शामिल हुए। तब का विधानसभा और अब का कितना बदला है? धरती और आसमान जितना ऊंचा और नीचा है उतना बदल गया है। उस वक्त के किसी भी पार्टी के, ये नहीं कि केवल सोशलिस्ट पार्टी के, चाहे कांग्रेस के हों, कम्युनिस्ट के हों, कोई भी पार्टी के लोग थे, काफ़ी ईमानदार थे। और आज ईमानदार केवल बस एक आदमी रह गया जिसको कि किया गया है, सम्मानित किया गया, अकेले विधानसभा, इसको मत छापना, लेकिन सच्चाई यही है कि अकेला वो आदमी है जो ईमानदार है। आज कहिए, उस दिन हम लोग केवल जनता के लिए मरते थे और आज अपने लिए लोग मर रहे हैं, ये अंतर हुआ सबसे बड़ा। अपने लिए मर रहे हैं, वो हम लोग जनता के लिए मरते थे। कल लालू जी के एक कॉमेंट आया है टीवी पर कि आए हो तो कुछ काम कर दो और बाकी बचे तो जनता के चंदा से जलपान कर लो। अब बिल्कुल ठीक कहा है उसने, तो इसमें दो राय थोड़ा भी नहीं है। असल पहले दिन रात लोग रहते थे पब्लिक के लिए, लेकिन अब दिन रात लोग अपने अपने परिवार, अपने मित्र, मुट्ठी भर लोगों के लिए समय देते हैं। तो उसमें कई विपक्ष के विधायक शामिल नहीं हुए, यहाँ कई मंत्री नहीं आए इस आयोजन में, कई विपक्ष के जो विधायक थे वो नहीं, और कई मंत्री भी नहीं आए। विपक्ष के विधायक भी अपना कर्तव्य निर्वाहन नहीं कर रहे हैं, विधानसभा में बोलते हैं एंटी, लेकिन बाद में देखिएगा तो दोनों मिल के बात करते हैं। वहाँ उस तरह के नहीं चलता था। कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री थे, उस वक्त में विधायक था, 52 साल पहले बिहार विधानसभा में अपने से कपड़ा फींचते थे मुख्यमंत्री जी, आज तक कभी लोहा नहीं दिए अपना कपड़ा पर। उनके साथ जो भी रहा है उतना ही ईमानदार, लेकिन आज देखिएगा तो उन्हीं का परिवार MLA है, MP है, मंत्री हैं, सब में बदलाव आ गया। आज गरीबी अमीरी का खाई जितना चौड़ा होते जा रहा है, अगर इसको जल्दी से लोकतंत्र में नहीं पाटा गया तो दूसरे जगह जो हो रहा है ईरान में और दूसरे देशों में, यूक्रेन में, सब उसी तरह से इस देश में भी। हम लोग तो नहीं रहेंगे, लेकिन आने वाला समय में युवक को अगर काम नहीं मिला, पढ़ लिख के घूमता रहा, तो फिर सारे लोग फिर उसी तरह के हो जाएंगे जैसे ईरान और यूक्रेन के लोग हो गए। कितना दुख होता है कि 22 वर्ष झारखंड को हो गया लेकिन फिर भी बदलाव नहीं हुआ। बदलाव तो मैंने देखता हूँ, बदलाव नहीं है, केवल वाणी से कुछ लोगों को, जैसे बीजेपी के सरकार थी, विधानसभा बना दिया, हाईकोर्ट बना दिया, उससे आम जनता के क्या फायदा हुआ? ये रुपया अगर गांव में जाता, युवक को सर्विस मिलता, जितना पद खाली है बिहार में अगर उसको भर दिया जाए तो 50% युवक जो हैं इंगेज हो जाएंगे। झारखंड में अगर आपको उत्कृष्ट मुख्यमंत्री चुनना होगा तो किसे चुनेंगे इन 22 वर्षों में जो भी मुख्यमंत्री बने? सरकार के एक सुझाव दिया है हम कि जल जंगल जमीन के बात करते हैं तो फॉरेस्ट में 20,000 पद खाली है, खाली फॉरेस्ट गार्ड के, फोर्थ ग्रेड के, उसमें BA को भी ले लीजिए देगा तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, लेकिन उसका जवाब नहीं, कुछ नहीं मिला। डायरेक्ट मुख्यमंत्री से बात किए, यह सब देखकर आपको दुख होता है कि कितना बदल गया? बदलाव कितना बदल गया, सारा चीज जो उस वक्त था वो अब नहीं बचा। BJP और गवर्नमेंट के अंदर
बदलाव कुछ खास नहीं देखता हूँ मैं, खास नहीं देखता हूँ। इतना बड़ा समारोह हुआ जहाँ एक एक दाना देखिएगा तो घर में नहीं है, ये करोड़ों करोड़ खर्च करने बिना क्या रह जाए। ये तो वो लगता है कि यहाँ आने के बाद हमको लग रहा था कि अमेरिका में आ गए, हिंदुस्तान में है, ये नहीं है। मैंने कहा ये चक 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 यहाँ करके तो लोग बूझ भी करेंगे कि भूख पेट का आग नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है कि पेट का आग अब धड़कने वाला है। कोई भी सरकार होगा अगर युवा को काम नहीं दिया, गृहस्थ को पानी नहीं दिया, गरीब व्यवसाय के लोन नहीं दिया और महंगाई बढ़ते गया तो फिर यहाँ क्रांति हो जाएगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। पहले इस तरह का आयोजन नहीं हुआ करता था? आए पहले इस तरह का आयोजन नहीं होता था समारोह? पहले के सरकार क्या करे, हमने जब आप विधायक थे मंत्री रहे तो इस तरह का आयोजन होता था? तो ये तो अभी प्रचलन हो गया है कि कोई भी सरकार होगा तो खर्चा ही करेगा। वो गरीब के प्रति मानो इतना गरीब प्रांत में इतना ज़्यादा हम समझते हैं कि आज 2 करोड़ रुपये से कम खर्च नहीं हुआ सब में। आज 2 करोड़ रुपया गरीब में जाता, आदिवासी के दिया जाता है, हरिजन के दिया जाता है, उनके लड़के को छात्रवृत्ति मिलती, आज कहाँ से कहाँ हम जा सकते थे। हम केवल समियाना में हमको काम करना चाहिए था, लेकिन देखने में लगता है कि राजपाट बहुत बड़ा है, बहुत धनी है, लेकिन सच्चाई है कि गांव में जाने के बाद गरीबी क्या है इसको पता चल जाता है। और सोरेन जी गरीब के लड़का तो है ही है, लेकिन उनको गरीब गरीब लोगों से राजनीति के लिए भले जोड़ लें, लेकिन वास्तविक में गरीब नहीं है। क्या राष्ट्रपति हरिजन थे अभी इसके पहले, बीजेपी बनाया हरिजन के कल्याण हो गया क्या? अभी राष्ट्रपति आदिवासी है, आदिवासी के कल्याण हो गया क्या? जात के आधार पर कल्याण नहीं होगा, काम के आधार पर कल्याण होगा जो लोग करना नहीं चाहते। तो आपने सुना कि इन्हें दुख है, यह उस वक्त के विधायक हैं जब कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री थे बिहार में, तो उस वक्त उनके नेतृत्व में विधानसभा के सदस्य बने थे, और इन्हें दुख है कि अब इतना बदल गया है कि कोई भी सरकार इन 22 वर्षों में सत्ता में काबिज हुई, लेकिन जनता के हितों से इन्हें कोई लेना देना नहीं था। तमाम लोग जो चकाचौंध होता है, सामियाना होता है, प्रोग्राम होता है, उस पर ही जोर दिया, वास्तविकता में ग्राउंड जीरो पर कहीं कुछ काम नहीं हुआ। द न्यूज़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही, अपने सहयोगी संतोष कुमार के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।